बुलाना पड़ेगा इसको, सही कराना पड़ेगा पहले तो। करीबन एक आध घंटे में आने वाले होंगे से, और आज हम जा रहे हैं तो मैंने दी नहीं और बाइक वहाँ खड़ी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो, आई होप सब बढ़िया हो। भाई आज की मॉर्निंग भी ऐसी है, बिल्कुल कोहरे से भरी हुई। तो जिनको नहीं पता है, मेरा नाम प्रतीक है, और आप ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे नए होगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो यार अभी, क्योंकि आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं हूँ अभी अपने गांव में, और गांव में मैं क्यों आया था वो आपको कल वाला ब्लॉग देख करके पता लग गया होगा। तो भाई अभी मैंने इस घर की सफाई करी है, मतलब इसमें झाड़ू लगाई, अभी पोछा लगाना बाकी है। अभी इसमें वही है ना, मैंने तुम्हें बताया था अभी इसमें शिफ्ट नहीं करा। मेरे ताऊजी का घर है तो यहाँ पे अभी अंदर बड़े जो गाँव में घर है ना वहाँ से यहाँ अभी शिफ्ट नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे कुछ आज मेहमान आने वाले हैं तो मैंने इसलिए मैंने कहा चलो इसकी साफ़ सफाई कर दी जाए, जो कि ज़रूरी है यार, अच्छा लगता है जब कोई बाहर से आता है, समझ रहे हो। तो अभी मैं नहाया वाया नहीं हूँ, तो मैं अभी पोछा लगाता हूँ पहले, पोछा लगा करके उसके बाद नहा करके फिर मिलते हैं हम आपसे और दिखाते आगे की कार्यवाही क्या होती है। और लाइक सब्सक्राइब कर दो, जल्दी कर दो एकदम। गाइस मैंने वीडियो अपलोडिंग पर लगा दी थी 9 बजे और अभी तक 62% हुई है, 9:45 हो गए हैं, और मुझे नहीं पता ये यहीं पे रुकी पड़ी है, आधा घंटा इसको करीबन हो गया और ये यहीं पे रुकी पड़ी है। जियो वालो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ हमारे यहाँ कुछ कनेक्टिविटी अच्छी करो, इसकी क्या कर रहे हो यार तुम। व्लॉगर लाइफ तुमने बहुत हार्ड कर दी है, बीच में इजी हो गई थी लेकिन यार हमारे यहाँ तो हार्ड ही है। जब तक वाईफाई ना लगवाओ ना भाई, बिल्कुल बेकार नेट चलता है, सही बता रहा हूँ। मैं अपने घर होता हूँ ना तो मैं अपने दोस्त का वाईफाई कनेक्ट करके फिर मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, सोचो तुम अब कितना स्ट्रगल है ना लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है ब्रो। हो गई ये पता नहीं ऊपर से ना टैंक में से पानी आया जा रहा है, ऐसी ये बंद ही नहीं हो रहा, ये और टूट गया था। प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, इसको सही कराना पड़ेगा पहले तो। अभी तो मैंने बाल्टी रख दी है वरना ऐसे तो बहुत पानी गिर जाएगा। सफाई वगैरह कर दी है, मैं जा रहा हूँ अभी अंदर गाँव वाले घर, वहाँ से दूध वगैरह लेके आना, सामान लेके आना थोड़ा, ठीक है। जो मेहमान आ रहे हैं वो करीबन एक आध घंटे में आने वाले होंगे तो मैं जल्दी से जा करके पहले सामान वगैरह ले आऊँगा यार, फिर मिलते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं अभी गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ, मैं आ जाओ। ये देखो लोग खेतों में चल दिए अपने काम करने, गांव हमारा बहुत तरक्की पे है इस टाइम। और एक ख़ास बात जो हमारे गांव के बारे में, यहाँ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे गांव में सबसे ज़्यादा सरकारी बंदे हैं, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ हैं, और ज़्यादातर आर्मी में मिलेंगे, मतलब फ़ौज की नौकरी में ज़्यादा हैं, पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में। बस एक एयरफोर्स बची हुई है जहाँ से नहीं है बंदा, वरना जज से लेकर के और फोर्थ क्लास तक सब हैं। और एक हमें बेरोज़गार बन गई है, और इसको करते एक ग्लास में, साथ में है थोड़ी सी नमकीन। चीयर्स गाइस। तो क्या बात है, ठंड में चाय वो भी अदरक वाली, एक नंबर मजा आ जाता है। अभी यहाँ पे मेरी आवाज थोड़ी वैसे आ रही होगी ना, एको हो रहा होगा आवाज में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। पापा भी आने वाले घर से और मैं यहाँ रेडी हूँ। आए थे मोटरसाइकिल से और आज हम जा रहे हैं साइकिल से, कितना सही है ना। आज तो मतलब 12 किलोमीटर की साइकिल राइड हो जाएगी तगड़ी। पापा लेके आए थे, पापा साइकिल से आए थे, मैं कल बाइक से आ गया था क्योंकि भैया की बाइक ना हमारे घर खड़ी थी उधर। मेरी एक ऐसे पर्सनल बाइक नहीं है, होगी बट कभी ना कभी तो होगी, तो भैया की बाइक खड़ी थी तो मैं भैया की बाइक से आ गया था, पापा साइकिल से आ गए थे और अब हम जा रहे हैं साइकिल से, पापा आएंगे बाइक से किसी की। और एक मज़े की बात बताऊँ, मैं ना ऐसे मतलब गाँव में रिकॉर्ड करता हुआ जा रहा हूँ मैं, तो लोग देख रहे हैं ये पागल हो गया है, ये मतलब फ़ोन से ही बातें करे जा रहा है, वो भी फ़ोन उठा करके, क्योंकि बैक कैमरे से वीडियो शूट करता हूँ। तो अगर ऐसे आगे फ्रंट कैमरे से अगर बात करूँगा तो ये सोचेंगे यहाँ भी किसी से बात कर रहा है, बट ऐसे स्क्रीन आगे करके और बैक साइड मेरी तरफ है तो लोग सोचते हैं क्या पागल वागल तो नहीं हो गया। पहले बहुत सरसों होती थी, अभी तो बहुत कम सरसों हो गई है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है, अभी ज़्यादातर लोग गन्ना बोने लग गए हैं। बाइक की चाबी भूल गया अपनी जेब में ही, भैया को मैंने दी नहीं
और बाइक वहाँ खड़ी है ऐसे ही। अभी फ़ोन आया भैया कि बाइक की चाबी कहाँ है, अब मैंने अपनी जेब देखी तो मेरी जेब में निकली है। अभी भैया आ रहे हैं दूसरी बाइक से और चाबी देंगे हम उनको, फिर जाएंगे हम, अभी तब तक रुकना पड़ेगा। ये है हमारे गांव की पुलिया, यहाँ पे पता है ये पहले पुलिया नहीं बनी थी, तो ये नदी थी ये पूरी भर के चलती थी, और जब बरसात होती थी ना तो ये तो रास्ता पूरा ही गायब हो जाता था यहाँ से पहले। अब तो बहुत बढ़िया हो गया रास्ता, क्योंकि अभी है ना हमारे मुरादाबाद साइड को ना बाईपास निकल गया, हाईवे हो गया अभी, तो इसलिए इनका निर्माण कार्य हो चुका था। जब हम छोटे छोटे थे ना तभी मैंने ये रास्ता ख़राब देखा था, बट अभी तो बहुत सही है, अब तो एकदम मस्त है। घर अभी अभी आया हूँ बिल्कुल जस्ट, मजा आके 12 किलोमीटर साइकिल चला के शरीर ऐसे हो गया, गर्मी गर्मी हो गई भाई, इसमें गर्मी लग रही है मुझे जैकेट में, बट एकदम से नहीं उतारना चाहिए ना, गर्मी से आए हो और ठंड का मौसम है तो एकदम से अगर जैकेट उतार देते हैं ना तो फिर तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आके भी बैठ के आराम फरमा रहा हूँ, मम्मी बना रही है खिचड़ी, तो अपन खाएंगे खिचड़ी एंड उसके बाद थोड़ा देखेंगे, या तो बाहर जाएंगे या फिर थोड़ा आराम करेंगे, लेटेंगे, क्योंकि मुझे ना नींद सी आ रही है। उसके बाद क्योंकि पढ़ना भी है रात को, आज रात को देर तक जागना है, बिकॉज मेरी आज लेक्चर जो छूटे हैं वो मुझे कवर करने हैं, कल के लिए रिजर्व में नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो समझ गए हो आप जो मैं कह रहा हूँ? तो जी भाई साहब, अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार, कर दो ना भाई, कर दो यार, प्लीज़ कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। 1000 सब्सक्राइबर तो करवाओ जल्दी से, जल्दी से करवाओ यार।